नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसीएन के प्राइम टाइम न्यूज पर। मैं रत्नाकर, मेरे साथ में है इमरान। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से कोरोना का कहर पूरे देश के साथ पूरे दुनिया में बहुत फैला हुआ है। लोगों से बार बार गवर्नमेंट अपील कर रही है, अलग अलग अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहेंगे सर कि शहर में जो कल उद्धव ठाकरे जी ने संचार बंदी नियम लागू करना पड़ा, एक कड़े कदम उठाने पड़े, क्या लगता है क्यों उठाने पड़े, लोगों के अवेयरनेस की कमी की वजह से? लोगों के अवेयरनेस की कमी से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि लोगों का इस कोरोना इस ये जो महाभयंकर बीमारी उसकी तरफ देखने का नज़रिया अब भी सीरियस नहीं हुआ। और अगर ये सीरियस नहीं हुआ तो इसके परिणाम पूरे देश को, पूरे समाज को इतने विपरीत तरीके से भुगतने पड़ेंगे जिसका अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते। जी हाँ, बिल्कुल। इसका बचने का सिर्फ एक ही तरीका बार बार गवर्नमेंट की तरफ से भी बताया गया था। पिछले दिनों आपने देखा था कि चाइना से इस बीमारी की शुरुआत हुई थी, वो किस तरह से बढ़ा, उसके बाद चाइना के साथ साथ उसके आस पड़ोसी देश इटली की आप स्थिति देखिए, यूरोप की अगर आप स्थिति देखेंगे तो ये काफी दयनीय और काफी शोचनीय स्थिति है। और जिस तरह से जागतिक स्तर पर और देश के स्तर पर भी जो आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा इमरान, देखो मैं एक जगह एक जमाने में जहां मैं काम करता था तो वहां पर मैंने छुट्टी की बात की थी तो उन्होंने मुझे कहा था, मेरे बॉस ने, कि जिस दिन रत्नाकर आपकी ट्रेन इंडिया की बंद हो जाएगी उस दिन समझ लेना तुम्हारी छुट्टी, घर से बाहर मत निकलना। कितनी आपदाएं आगे, वार जैसी स्थिति होने के बावजूद भी हमारी ट्रेनें बंद नहीं हुई, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है देश में कि ट्रेनें तक बंद करनी पड़ रही हैं। तो इसका मतलब समाज को, हमारे देश के नागरिक को समझना पड़ेगा कि स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। थोड़ा सा हम अगर संयम रखें, थोड़ा सा कोऑपरेट करें तो कोरोना की जो स्थिति को हम संभाल सकते हैं तो उसके लिए एकमात्र उपाय यही है कि हम एक दूसरे से दूर रहे, आइसोलेट रहे, एक दूसरे से अलग रहकर ही हम इस रोग को कहीं ना कहीं रुकावट ला सकते हैं, कहीं ना कहीं उसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। प्रशासन की ओर से बार बार सबको कहा जा रहा है, हर विभाग, जितने भी गवर्नमेंट का एक जिम्मेदार विभाग आता है, जैसे वो पुलिस प्रशासन हो या गवर्नमेंट के स्वास्थ्य विभाग हो, बार बार अवेयर कर रहा है कि घर के बाहर ना निकले, क्योंकि ये एक वक्त आ गया है कि कोरोना को बढ़ने देना नहीं है। इसका एक ही इलाज है कि खुद को अपने घर पे क्वारंटाइन कीजिए, अपने घर के व्यक्तियों से भी, घर में रहकर भी आप थोड़ा सा डिस्टेंस रख के अगर आप कुछ काम करते हैं या उनके साथ में संपर्क में, डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं इस रोग की रोकथाम, इसका प्रादुर्भाव, इसका फैलाव को रोकने में हम अपना नैतिक जिम्मेदारी कम से कम दे सकते हैं। जी हाँ। और एक दूसरी खबर आ रही है, वो मैं आपको बता दूं कि कल से किसी के घर में अखबार नहीं आएंगे, यानी 25 तारीख से आपके घर अखबार नहीं आएंगे, सारी सुविधा आपको ई पेपर के माध्यम से मिलने वाली है। इसका मतलब ये है कि जितने भी न्यूज़पेपर आपके घर में आते हैं, प्रिंट मीडिया की हम बात कर रहे हैं, जैसे इमरान बता रहे थे कि आज इसके बाद 25 तारीख से आपके घरों में पेपर, न्यूज़पेपर नहीं आएंगे, लेकिन आप ई पेपर के माध्यम से इन पेपर्स का आप इसको रीड कर सकते हैं। हमारा जो नागपुर मेट्रो समाचार है, जो है इसके भी ई आवृत्ति, ई प्रिंट आपको inbcn.in में मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। और आपको जो रोज की अपडेट है, समय समय के बाद में जो भी बढ़ोतरी हो रही है या जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, आप ई पेपर के माध्यम से और inbcn के जरिए भी आप सारे अपडेट्स तो बिल्कुल देख सकते हैं। आप देख सकते हो कि शहर में अलग अलग डिसीजन ले जा रहे हैं, गवर्नमेंट के तरफ से रियायतें दी जा रही है। इनकम टैक्स को लेके थोड़ी देर पहले अपनी देश के वित्त मंत्री ने कहा कि समय सीमा बढ़ाई गई है। कुछ टैक्स के बारे में आपको बता दो, इनकम टैक्स की जून तक आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करने की समय सारणी 31 मार्च को दी गई थी, वो बढ़ा के 30 जून तक कर दी गई है। ये बिल्कुल एक अहम कदम सरकार की ओर से उठाया गया है। दर्शकों को बता दें कि इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि अब ये जो साल है, जो गुजरता साल है, जो मार्च 31 को एंड होता है, वो सीधा सीधा 15 महीने का होगा। मतलब मार्च, अप्रैल, मई तक और जून तक, आपको 30 जून तक आप अपने सारे कारोबारी या पर्सनल जो भी अकाउंट्स है 30 जून तक आप क्लोज कर सकते हैं। ये इतनी रियायत आपको सरकार ने दी है, लेकिन इन सारे रियायतों का लाभ लेते हुए आपको अपने कर्तव्यों का पालन भी उतनी ही जिम्मेदारी से करना इस वक्त बेहद आवश्यक हो जाता है। जी हाँ, आज शहर की स्थिति देखी जाए तो कई लोग मुझे दिखे कि बिना काम के रास्ते में घूम रहे थे। पुलिस प्रशासन स्ट्रिक हो चुका है, आपने देखा कि कई लोगों पर सख्ती बरतने को मजबूर कर रहे थे लोग। ये एक रोष की बात है इमरान, देखिए अगर पुलिस सख्ती बरत रही है तो क्यों उन्हें सख्ती बरतने पर आप मजबूर कर रहे हो? जहां पर बहुत जरूरत है
तभी आप घर से बाहर निकलो, क्योंकि ये सिर्फ आपका नहीं, आपके परिवार का, आपके दोस्त मित्रों का, एक समाज के प्रति आपका उत्तरदायित्व है। और इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए आपको कुछ दिनों का संयम रखना है, आपको अपने आप को लोगों से दूर रखना है। क्या फर्क पड़ता है अगर कुछ दिनों तक हम घर में रहे? इससे आप इन चीजों को पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। जी हाँ, कितने हम व्यस्त हो चुके हैं आज की हमारे रोजमर्रा की लाइफ में, हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि परिवार को समय नहीं दे सकते। आज हम परिवार के साथ में है तो परिवार के साथ में क्वालिटी समय बिता सकते हैं, इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। लेकिन हम घर से बाहर निकलते हैं, और वैसे भी घर से बाहर निकलने के बाद में फायदा क्या? आज सारी मशीनरीज, सारे प्रतिष्ठान सब कुछ बंद है, तो आप बाहर जाके भी कोई ऐसा एंटरटेनमेंट तो आप कर नहीं सकते। जी हाँ, और पूरे शहर की मालूम जानकारी देने के लिए हम यहाँ बैठे हैं इनविजन के माध्यम से, चैनल नंबर 746 में आपको घर बैठे अपडेट देने की जिम्मेदारी हमने उठाई है और हम ये काम कर रहे हैं सर। हम फिर से एक बार दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि इनविजन के माध्यम से सारी अपडेट्स जागतिक स्तर पर, भारत देश के स्तर पर और नागपुर के स्तर पर भी हम सारी जानकारियां, सारे आंकड़े आप तक पहुंचाते जा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे, हम वादा करते हैं। आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाइए, घर से बाहर ना निकलिए, जहां तक हो सकता है आइसोलेट रहिए। कहीं पर भी आपको अगर ये महसूस होता है कि कहीं आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री रही हो, बाहर से अगर आप आए हो, इसके कृपया छुपाए नहीं, कंसल्ट करें, बात करें, डॉक्टर के पास में जाए और नज़दीकी हेल्थ सेंटर में जाके आप अपना चेकअप जरूर करें। खास करके ड्राई कप अगर आपको हो, ड्राउजीनेस आपको लगता हो, आपको ऐसा लगता है कि कुछ दिनों से आपको बुखार है, वो बुखार अगर उतर नहीं रहा है, तो परिवार की तबीयत भी जोखिम में डालने से अच्छा है कि आप अपने आप को कंसल्ट करवाएं, डॉक्टर के पास में जाएं और जांच जरूर करवा लें। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं भारत का आंकड़ा बता दूं आपको, अपने देश में 524 के ऊपर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इसमें 10 लोगों की डेड भी हो चुकी है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इस चिंता को देखिए, एक चीज होती है, मैं सुन रहा था हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम जो गणित की भाषा में अगर कहें तो हम बेरिज की बात करते, लेकिन कोरोना जो है वो गुणाकार का रूप ले सकता है, और जब ये गुणाकार का रूप अगर लेगा तो ये स्थिति भयावह होगी, इसकी कल्पना मात्र से हम सब दहशत में आ जाते हैं। लेकिन अगर ये आज हम इसको रोकथाम करने के लिए अगर कुछ संयमित कदम अगर हम रखते हैं तो यकीनन आज भी हमारा देश कोरोना से लड़ सकता है, इसको नेस्त नाबूद कर सकता है। जरूरत है कुछ समझने की, कुछ जिम्मेदारियां उठाने की और समाज के प्रति, खुद के प्रति कुछ जिम्मेदारियों को लेने की। जी हाँ, जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के आंकड़े भी काफी शोचनीय है, और भारत की अगर बात करें, महाराष्ट्र के आंकड़े आप देखेंगे तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा का आंकड़ा है, स्टेट की अगर हम बात करें तो। जी हाँ, आज ही सुबह सुबह 4 पॉजिटिव मिले हैं, तो ये भी देखिए कि किस तादाद में। एक चीज और चिंता का विषय यह है कि कहीं ना कहीं ये जो अब मरीज जो पाए गए हैं, पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, इनकी अपनी कुछ हिस्ट्री होगी, ये कई मल्टीपल लोगों से मिले होंगे। हम ये सोचते हैं कि मैं तो कहीं ऐसे लोगों में नहीं था जहां पर किसी को कोरोना से वो बाधित हो, लेकिन आप इसको यहाँ बैठे बैठे तय नहीं कर सकते। आपको इस बात को बहुत ही सीरियसली लेना होगा, आपको इस जिम्मेदारी को समझना होगा कि हम ये नहीं तय कर सकते कि कल हम किससे मिले थे, कुछ दिनों पहले हम किससे मिले थे। अगर कहीं से भी हमारे साथ में अगर ऐसा हादसा हो चुका है तो हमें संयम बरतने की, आइसोलेट रहने की और घर में रहने की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ, पूरे देश की बात करें तो, पूरे विश्व की बात करें तो 382,000 से भी ऊपर लोगों को कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले चुका है, और मौत का आंकड़ा देखे तो 16,000 के भी ऊपर लोग, 16,574 का आंकड़ा इस वक्त हमारे सामने है, और ये आंकड़ा हर पल हर क्षण बदल रहा है। जी हाँ, फिर से एक बार आपको बता दूं कि शहर में लॉकडाउन की स्थिति है, शहर नहीं पूरे राज्य में, पूरे देश के कई राज्यों में फुल लॉकडाउन किया गया है। आपको भी पब्लिक का पुलिस का सपोर्ट करना पड़ेगा इस माध्यम से, नहीं तो पुलिस अपना एक रुख दिखाएंगी, वो मजबूरी हो जाती है। देखिए, ये पुलिस प्रशासन या प्रशासन को जो अधिकार प्राप्त है उसके अनुसार जो है, जो कार्रवाई की जा रही है वो उसी उन्हीं लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो अननेसेसरी रास्तों पर घूमने की जद्दोजहद कर रहे हैं बस यूं ही। और ऐसे जो हम तो मैं तो इन्हें असामाजिक तत्व ही कहूंगा कि जो समाज की स्थिति को बिगाड़ने के लिए फालतू रास्तों पर घूम रहे हैं। आप देखिए, एक प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन की हम बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, साफ सफाई कर्मचारी की अगर बात करें, ये जी जान से अपनी ड्यूटी पर तैनात है सिर्फ समाज की सेवा करने के लिए। लेकिन कुछ लोग जो है
इसका गलत फायदा उठाकर रास्तों पर भटक रहे हैं बगैर किसी काम के। तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझकर इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें अपने आप पर कुछ अंकुश जरूर लगाने होंगे। जी हाँ, सोमवार को कहीं देखा गया, हमारे साथ DCP निर्मला देवी जी ने बात किया था, उन्होंने बहुत उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था नागपुर पुलिस को। वो इसलिए क्योंकि जो भी लोग आ रहे थे वो बहाना कर रहे थे, चिट्ठी निकाल रहे थे और दिखा रहे थे, हॉस्पिटल की चिट्ठी को भी बता रहा था, कोई बोल रहा था कि मुझे किराना लेके जा। इस माहौल में ये हो रहा था कि जो जिनको सही में ज़रूरत है, जिसमें को सही में मेडिसिन की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। ये आपके प्रति खुद की मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमें ज़रूरत नहीं है घर के बाहर निकलने की तो बिल्कुल ना निकले। एक चीज का और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि मैं दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा, आप सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना भी एक जिम्मेदारी है। कई ऐसे कोरोना से संबंधित ऐसे मैसेज, ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं है, गलत है, जो कि समाज में एक अनोखा डर पैदा कर सकते हैं। आपको अगर ऐसे मैसेजेस आते तो कृपा करके वहीं डिलीट करें, उन्हें आगे ना बढ़ाएं। हाँ, आप अच्छे संदेश, कोरोना के प्रति जन जागृति का संदेश आप जरूर दे सकते हैं, अपने शब्दों में लोगों को अवेयर कीजिए, उन्हें अनुरोध कीजिए, अपने अपने जो परिवार के लोग हैं, अपने जो संपर्क में लोग हैं उन्हें आप अनुरोध कर सकते हैं, उन्हें कहिए कि वे घर से बाहर ना निकले, अपने जिम्मेदारियों को समझें और इस विपरीत परिस्थिति में देश का, समाज का, खुद का साथ दें। जी हाँ बिल्कुल, ये सबका दायित्व है कि इसने समाज का साथ देना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय पर हम बात कर रहे हैं, ऐसी कोरोना से संबंधित और जानकारी हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। एक शहर का जो जायजा है वो भी हम ले रहे हैं और क्या स्थिति है शहर की, इससे भी हम आपको समय समय पर रूबरू करवाते रहेंगे। दर्शकों से इन बीसीएन के माध्यम से, प्राइम टाइम के माध्यम से हमारा अनुरोध है कि स्वस्थ रहे, खुद का ख्याल रखे, आइसोलेट रहे, घर के बाहर ना निकले, ये आपसे रिक्वेस्ट है। नमस्कार।